40 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है, वो अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा उड़ाएगा, वो लोकतंत्र की हत्या करेगा, वो संविधान को ताक पर रखेगा। और आप सबके अंदर अगर खून अभी पानी नहीं हुआ है तो उस खून को उबलने दीजिएगा, जो आज हथियारों के दम पर, जाति और धर्म के दम पर इस देश को अराजकता और आग में झोंकना चाहते। पर हमारा भाई संसद के बाहर दिल्ली की दहलीज पर आकर अपना लठ लेकर बैठ गया है। रास्ते पर उठाया जाकर आवाज उठानी है। हम वो
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई पीवी श्रीनिवास जी को, प्रभारी कृष्णा नवरू जी को, हर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी से कहूंगी, आप यहां पर है तो आप मत सोचिएगा 10:30 बजे का कार्यक्रम था, घर में लाइव देख रही थी आपको, मैं अकेली नहीं, युवा कांग्रेस के मनु 1.5 मिलियन फॉलोअर खाली ट्विटर पर, मैं ठीक कह रही हूँ, 15 लाख लोग मात्र ट्विटर, फेसबुक पर और देश के कोने कोने में यहाँ पर आए आप लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम नहीं पहुंचे, पर हमारा भाई संसद के बाहर दिल्ली की दहलीज पर आकर अपना लठ लेकर बैठ गया है और इस तानाशाह को मजबूर करेगा जो संसद से भाग रहा है, उसे संसद की चर्चा में सर। राहुल गांधी जी की स्पीच का समय हो रहा, ये तानाशाह कितना कायर और डरा हुआ है, एक और खुलासा करके बात खत्म करूंगी। पिछले 4.5 साल में संसद में प्रधानमंत्री जी मात्र 7 बार आए, कितनी बार? 7 बार, 4.5 साल में प्रधानमंत्री देश का संसद में 7 बार आता है, और 7 बार बोलते हैं उसमें से 5 बार मजबूरी में बोले, क्योंकि राष्ट्रपति जी का भाषण था और उनके अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना होता है, और उसके बाद मात्र 2 बार बोले। आपको 140 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है, लेकिन संसद में 4.5 साल में मात्र 7 बार आता है और देश के मुद्दों पर बात करने से वो भाग जाता है। आप सभी से कहूंगी, मुद्दों से भटकाया जाएगा, आप सब एक रहिएगा इन शुभकामनाओं के साथ,